केजरीवाल साहब, केजरीवाल साहब आपको पीछे हो गया, क्या कर रहे हैं केजरीवाल साहब? आराम से, आराम से, आराम। मैं चन्नी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। जब से मैंने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने पे पंजाब की हर महिला को हजार हजार रुपए देंगे, तब से चन्नी साहब मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत सस्ते कपड़े पहनता है, केजरीवाल के कपड़े सस्ते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरे कपड़े जैसे भी हैं, मेरे को तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं हजार हजार रुपए जब अपनी महिलाओं, अपनी बहनों को, माँ बेटियों को दूंगा, उससे वो नए सूट खरीदेंगी, मेरे को उससे खुशी होगी। अपनी माँ बहनें जब नए सूट खरीदेंगी उससे खुशी होगी। कल उन्होंने मेरे को कहा कि मैं काला हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरा रंग काला हो सकता है, मैं मानता हूँ कि मेरा रंग काला है। मैं तो गाड़ी में, जमीन पे, पिंड पिंड में घूम रहा हूँ, धूप में मेरा रंग काला हो गया। आपकी तरह मैं हेलीकॉप्टरों में नहीं घूमता, आपकी तरह मैं आसमान में नहीं रहता, लेकिन पंजाब की मेरी जितनी माएँ हैं उनको ये काला बेटा पसंद है, पंजाब की जितनी मेरी बहनें हैं उनको ये काला भाई पसंद है। सबको पता है कि मेरी नीयत काली नहीं है, मेरी नीयत साफ है, और सबको पता है कि नीयत काली किसकी है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक बार हमारी सरकार बनेगी तो ये सस्ते कपड़े पहनने वाला और ये काला आदमी अपने सारे वादे पूरे करेगा। मैं झूठे ऐलान नहीं करता, मैं झूठे वादे नहीं करता। आज पठानकोट जा रहे हैं, वहाँ पे शिक्षा से संबंधित आज चौथी गारंटी का ऐलान होगा, तिरंगा यात्रा होगी, देशभक्ति की यात्रा होगी। आप सब लोग आइए वहाँ पे, साथ में मिलकर।